नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी के बारे में, जिसके नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं, जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे फिर से एक बार वीडियो बना के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैं जितने बार वीडियो बनाऊँ फिर भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए, कंपनी का प्राइस रेंज और कंपनी का नाम देखकर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको सही से अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए तो आपको हमेशा इस टाइप कंपनी के बारे में जानकारी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको डिस्कस करूँगा कंपनी के बारे में, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले ही मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो है इन्फो एज, एक्चुअली इन्फो एज लिमिटेड है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको एनएससी साइड में देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का जो नाम है वो है नौकरी, आप सभी जानते हैं नौकरी.com, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, बहुत सारे सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और जोमाटो ने इस कंपनी के ऊपर भी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है। इस कंपनी के ऊपर मैं पूरा डिटेल से आपको स्टडी दूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, आप देख लीजिए 52 वीक का जो हाई था वो 19 अक्टूबर में किया था 7465। देखा जाए कभी कंपनी अभी भी 1000 प्राइस के नीचे है, 1000 रुपीज़ प्राइस के नीचे है। इसका 2019 में सॉरी 2020 में 19 नवंबर में इसका प्राइस रेंज था 3700। मोटा मोटी देखा जाए कंपनी एक साल के अंदर कंपनी ने आपका फंड डबल कर दिया है। तो कंपनी के आज के दिन का परफॉर्मेंस के बारे में बता दूँ, करीबन 27.69% का डिलीवरी यहाँ पे उठ चुका है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी आज के दिन करीबन 2.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया, अपटेन आपको देखने को मिला। तो किस तरीके से अपटेन में आज कंपनी ग्रोथ हुआ, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है पिछले दिनों में इसका Q2 का रिजल्ट। कंपनी ने जो Q2 का रिजल्ट पब्लिश किया वो शानदार और 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में सबसे पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद कंपनी के सारे जानकारी यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है उसके बारे में यहाँ पे आ चुका हूँ। तो उससे आप फिगर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मिलियन में आपको फिगर दिया गया है। तो टोटल जो इनकम है कंपनी का करीबन 4097 मिलियन, पिछले क्वार्टर में था 3800 मिलियन, पिछले सालों में था 2898 मिलियन। तो कंपनी का ग्रोथ हर क्वार्टर में हर साल में यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा, सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, हर क्वार्टर में हर सालों में इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ किया है। तो कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो ज़बरदस्त एक्सपेंस किया, मतलब जिस तरीके से इनकम हुआ उसके हिसाब से एक्सपेंस भी थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिला। 2700 पिछले क्वार्टर में था 2400, पिछले सालों में था 2200, मतलब इस क्वार्टर में इनकम के तुलना से एक्सपेंस थोड़ा सा कम किया पिछले 2 क्वार्टर के तुलना से। तो उसके बाद कंपनी को जो चौंकाने वाला प्रॉफिट आया वो एक नज़रिया आपको चेंज हो जाएगा इसको प्रॉफिट देख के। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम गेन, मतलब कंपनी एक्सेप्शनल जो आइटम के ऊपर कंपनी ने प्रॉफिट किया वो करीबन 82,692 मिलियन, जो पिछले क्वार्टर में था मात्र 1,500 मिलियन, जो पिछले सालों में था 3,700 मिलियन। तो यहाँ पे एक नज़रिया चेंज हो गया, कंपनी को प्रॉफिट पे कर मतलब टैक्सेस पे करने का पड़ा, और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा, उसके बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया वो टोटली फिगर आपको चेंज कर दिया 73,693 मिलियन, मान के चलिए 7,360, इतना 69 करोड़ का टोटल यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कंपनी ने किया है। तो पिछले क्वार्टर में था मात्र 1,553 मिलियन, पिछले सालों में था 3,280 मिलियन। तो यहाँ से यहाँ का जर्नी बहुत शानदार और ज़बरदस्त हुआ है।
तो इसीलिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर एक बार देख लीजिए कितना बढ़ चुके हैं। कंपनी का पिछले क्वार्टर में अर्निंग था मान के चलिए 12 रुपीज़, पिछले सालों का अर्निंग था मान के चलिए 26 रुपीज़, और इस क्वार्टर का अर्निंग है 573 रुपीज़। कितना ग्रोथ हुआ है आप एक बार यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। इसीलिए कंपनी को मैं हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी जरूर कहूँगा। तो कंपनी का कैश फ्लो भी देखिए कितना ग्रोथ हुआ है। पिछले क्वार्टर में था 852 मिलियन, इस क्वार्टर में बन चुके 1089 मिलियन। मतलब यहाँ से भी कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग कैश जो है वो भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिला। तो इसीलिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न में आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दो आप देख सकते हैं करीबन 4.5% का आपको रिटर्न देखने को मिला, और 1 मंथ में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। निफ्टी बहुत गिरावट हुआ तो इसलिए यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग चला, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक देखने को मिला करीबन 7% डाउन। और 6 मंथ चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन 52% का रिटर्न 6 मंथ में आपका फंड करीबन 50% आपका फंड ग्रोथ किया। आपका फंड बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होगा इस कंपनी में। तो कंपनी का प्राइस रेंज देख के आप चौंक मत जाना, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 4000% का रिटर्न। तो चार्ट पैटर्न देख लीजिए किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको हमेशा इस टाइप कंपनी में निवेश करना चाहिए जो कंपनी आपको हमेशा ग्रोथ देंगे और हमेशा अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस भी देने वाला है। तो हमेशा इस टाइप कंपनी के ऊपर आप जरूर नज़र रखना। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं इन्फो एज जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 81,000 करोड़ है, मान के चलिए 81,600 करोड़ है। और इसका देखिए जो वीक पॉइंट मुझे इस कंपनी का लगा वो है इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही मुझे लो लेवल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मगर कंपनी का देखिए पीए रेशियो बहुत लो लेवल में है, और इसका देखिए बुक वैल्यू भी 1500 इसका बुक वैल्यू है। तो डिविडेंड भी कंपनी देते रहते हैं, और साथ ही साथ कंपनी अभी भी स्प्लिट नहीं किया, तो इसलिए इसका प्राइस रेंज अभी भी इतना हाई लेवल में देखने को मिल रहा है। देखिए आप 1 साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा, आपको हर क्वार्टर की प्रॉफिट देखना चाहिए। देखिए कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया, 2018 दिसंबर क्वार्टर में 300, उसके बाद फिर भी 300, 188 करोड़ का लॉस, फिर भी 109 करोड़ का लॉस, 60 करोड़ का लॉस। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो प्रॉफिट शुरू हुआ 194, 300, 600, अब फिर से 300, फिर से 100, और इस क्वार्टर में तो गजब हो गया 7000 करोड़ का प्रॉफिट। तो इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस के बाद आपको इस टाइप कंपनी में हमेशा के लिए बने रहना चाहिए। तो कंपनी आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के बारे में, देखिए कोई क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ लॉस थोड़ा सा लॉस हुआ उससे इस कंपनी को में घबराना मत। इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से काम करते हैं जिस फील्ड में काम करते हैं, मैं एक बार आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं वो एक बार देख लीजिए, तभी आपको अंदाजा लग जाएगा कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप देख लीजिए, आवर बिजनेसेस, कंपनी कौन सा फील्ड में काम करते हैं, नौकरी.com। आप कोई भी नौकरी सर्च करने के लिए जाते हैं तो नौकरी.com के ऊपर जाते हैं। साथ ही साथ देखिए नौकरीगोल्फ.com, ये भी एक साइट है। और यहाँ पे देखिए शिक्षा, ये भी इसका साइट है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जॉब हाई के साइट है, और भी देखिए फास्ट नौकरी डॉट कॉम, साथ ही साथ 99acre.com, इंडिया का प्रॉपर्टी बिजनेस में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पोजीशन में इस कंपनी का रैंकिंग है। तो कंपनी ऑनलाइन सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, और जिस टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रोथ हो रहा था उससे पहले कंपनी ऑलमोस्ट इस फील्ड में मास्टर लीडर बन के बैठे हुए थे। तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा स्टडी करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है फ्यूचर में आपको जबरदस्त ग्रोथ देने वाला है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। फ्यूचर में आप सभी जानते हैं 5 साल पीछे चले जाइए तब ऑनलाइन का जिस तरीके से मतलब मार्केट था, अभी ऑनलाइन का मार्केट कितना ग्रोथ हुआ है। अब हर कोई बिजनेस तो ऑनलाइन शिफ्टिंग हो जा रहा है, तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और कंपनी जिस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से धीरे धीरे कंपनी
बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। क्योंकि कंपनी यहाँ पे देख सकते, कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न किस तरीके से दिया, CAGR परसेंटेज यहाँ पे देखिए, 10 सालों में 34%, 5 साल में 49%, 3 साल में 67%, 1 साल में 63%। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी आपको 35 से 40% का रिटर्न आपको हर साल में दे रहा है। तो जिस कंपनी का रिटर्न इतना शानदार है, देखिए मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर साल का आपको फार्म यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा चुका हूँ। तो जिस कंपनी में इतना अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल रहा है, अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो उस टाइप कंपनी में आपको हमेशा बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना चाहिए। और इसका देखिए प्रोमोटर है 38% प्रोमोटर के पास, और इसका FIs के पास 37%, DS के पास 13%, पब्लिक 10% और अदर्स के पास 0.11% होल्डिंग है। तो ओवरऑल सबके पास यहाँ पे इस कंपनी का हिस्सेदारी है, मगर हाँ प्रोमोटर के पास थोड़ा सा कम यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो मैं एक बात इस कंपनी के बारे में जरूर कहूँगा आपको, मैं हमेशा कहूँगा, देखिए स्टॉक कितना भी गिर जाए, या फिर 6,500 आपको देखने को मिला है, अगर इस कंपनी का प्राइस एंड 5,000 भी आ जाए तो भी आप पेशेंट के साथ बने रहना। क्योंकि इस कंपनी का टारगेट जो दिया गया है वो 10,000 से भी ऊपर है। तो जिस कंपनी का टारगेट 10,000 दिया, बहुत दिग्गज एनालिसिस्ट भी इसी को मानते हैं, इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।